वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस एपीसोड विच असी सुणांगे साखी तुलसा दासी। गुरु जी कुछ दिन तलवंडी टिके रहे, पर रात नूं बाहर रुखां हेठ ही डेरा रखदे। दिने कदे इधर उधर सैल करदे, कदे राय नूं जा निहाल करदे। रोटी अक्सर माता जी पास खांदे, जो बड़े प्यार नाल खवांदी। जद टब्बर नूं पता लग गया कि इन्हां ने घर नहीं ठहरना, चले ही जाना है, तां फिर जिन्ने भी दिन वधीक ठहर सकन ठहराइए। एहो गल सोहनी लगन लग पई। एक दिन गुरु जी घर आए तो माता जी रोटी पका रहे सन। गुरु नानक देव जी वेड़े विच एक मंजी ते लेट गए, तो ऐं जापे कि जिमें सो गए हन। जद रोटी तैयार हो गई, जिसनों सिख घरां विच आखी दा के प्रसाद तैयार हो गया है, तो श्री माता जी ने घर दी टहलण नूं, जिसका नाम तुलसा सी, आख्या, जा तुलसा, लाल जी नूं कहो भोजन तैयार है। तुलसा माता जी दी दासी या टहलण सी। इह सुभा दी बड़ी चंगी ते सिदक वाली बीबी सी। जा गई तो गुरु साहब जी सीधे चित लेटे हुए सन, नैण बंद सन, चेहरे उत्ते कोई सुंदरता रब्बी रंग दी डुल डुल पै रही सी। तुलसा ने आवाज मार के जगाउणा चंगा ना जाता, ते चरणा नूं हथ लाया। चरण कहिदा है पवित्र लोकां दे पैरां नूं। जद चरण छोहे तां तुलसा दे अंदर चरण चरण होई ते प्यार आया। चरण चम्योस ते फेर फेर चुम्मे चट्टे। फिर आप चरण फड़े ही टिक गई तां की देखदी है कि एक जहाज़ डुब्बण लगा है, ते उस जहाज दा मालक, जिसका लखा रुपया का माल जहाज उत्ते लद्या होया है, गुरु नानक कूकदा अरदास कर रहा है कि हे गुरु जी, मेरी बौड़ी करो, मैनू पुकरो, आओ मेरा जहाज बचाओ। तो तुलसा की देखदी है कि गुरु जी उत्थे पुज गए हैं, तो जहाज नू बचा के सही सलामत किनारे वल लै गए हैं। ये देख के तुलसा चली गई, तो माता जी ने कहा कि लाल जी टिके हुए हैं। माता जी ने आख्या, जगा लिया, फिर भोजन जो तैयार करवाया कीता है ठहर जाएगा। तां तुलसा बोली, ओ एक अपने सिख दा जहाज डुबणों बचा के किनारे ले जा रहे हैं, वेले हो लैण तां जगा लियावांगी। माता जी ने समझे कि पुत जो फकीर हो गया, दासी भी मिठा जिहा मेहणा पई मार दी है। आप गई ते गुरु जी नूं जा जगाया, ते चौंके विच लिया के बड़े प्यार नाल भोजन छकाया। जद छक के चूली करके आप जी बैठे, तां माता जी ने कहा, देखो लाल जी, आप जी दे ये फकीरी वेस ना तारो, सोहणे घर बार वाले हो के लोकां विच उच्चे उच्चे हो के फिरो, तां लोकी तुहाडा आदर करन, साडा भी माण वधे। हुण लोकी मखौलां करदे हन, होर तां होर घर दी दासी भी तां मखौलां दी गल कई पड़दी सी। मखौल आखदे हन हासे टिचकर दी गल नूं। श्री गुरु जी, माता जी, अज किसी ने कोई आप जी नूं बेअदबी दा वाक बोलिया है? माता जी बोले, वेखा आ तुलसा घर दी दासी अज तुसा जी नूं जगाउण लई मुड़ आई, ते आखण लगी, लाल तां समुंदरां विच जहाज पिया तारदा है। सतगुरु जी मुस्कराए, ते फिर बोले, माता जी, तुलसा दा की है, इसका गुस्सा ना करो, तुलसा तां कमली है, कमलियां दा की गुस्सा। गुरु जी ने यह वाक सहस वाय कहे सन, पर आत्म शक्ति आप विच इतनी सी कि तुलसा कमली हो गई। लिखा है कि तुलसा बहरानी जही रही, ते अंत जद मर गई तो मुक्त हो गई। मुक्त होना कहिदा है उसनू जो मर के वाहिगुरु जी पास चला जावे, ते सदा सुखी रहे। इस मुक्त हो गई गल तो समझ पई कि तुलसा पागल नहीं सी हो गई। वह बाहरों बाहरों मस्त जी रही, पर अंदरों वाहेगुरु जी नाल जुड़ी रहिंदी सी, ते बाहरों ऐं लगदा सी जिवें कि होश जरा घट है सू। होर उसनू कोई औख नहीं सी, ते ना उहदी मस्ती कोई रोग के बीमारी वांगू सी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।